वृश्चिक लगन वाले जातकों को अपनी जन्म कुंडली खोलते ही सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीन ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जो आपके नौवें घर के भाग्य के स्वामी हैं, तो कदम कदम पर आपका भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। सारी मेहनत, सारा परिश्रम जो भी आपने किया है, सब जीरो हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य कमजोर होने पर पिता से सहयोग नहीं मिलता और अपने काम का विस्तार व्यक्ति नहीं कर पाता। और मंगल कमजोर होने पर वृश्चिक लगन में, चूँकि मंगल लगन के स्वामी हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरी कुंडली जीरो हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, वृश्चिक लगन वाले जातकों के विषय में आज टोटल जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह आपको दूंगा। ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए और ये राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमें फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर इस पूरे विषय को बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक लगन में वृश्चिक राशि से नौवीं राशि पड़ती है कर्क राशि। तो चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी हैं। अब चंद्रमा के अति बाल्य, अति वृद्ध, मृत अवस्थाओं में होने पर आपका भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है। तो चंद्रमा के कमज़ोर होने पर इसके सभी ज़रूरी उपाय आपको करने चाहिए। सूर्य की डिग्री कम होने पर या बहुत ज़्यादा होने पर, सूर्य के कमज़ोर होने पर, पापक ग्रहों से दृष्ट होने पर भी आपका भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है और मंगल के कमज़ोर होने पर भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो तीनों ग्रहों का ये आपको जो है, ये तीनों ग्रह जो एक लाइन में हैं, इनका आपको खास ध्यान रखना है। आपका भाग्य रत्न है ये आपका मोती, माणिक और मूंगा। चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है तो मोती ज़रूर पहनिए, सूर्य कमज़ोर है तो माणिक और मंगल कमज़ोर है तो मूंगा। जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको देवी की उपासना करनी चाहिए। किसी भी महादशा में मंगल, सूर्य और चंद्रमा की अंतर्दशा आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है और मंगल, सूर्य और चंद्रमा की महादशाएँ भी आपके लिए शुभ जाएंगी। बृहस्पति, शुक्र और बुध, चूँकि बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी हैं आपकी जन्म कुंडली में, बुध अष्टमेश हैं और शुक्र सातवें घर के स्वामी हैं, यानी कि तीनों ग्रहों की महादशाएं आपको बहुत भारी टेंशन दे करके जा सकती हैं। और किसी भी ग्रह की महादशा में, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा भी आपको भारी टेंशन दे करके जा सकती है। तो इन तीनों ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा में सावधानी बरतें। वृश्चिक लगन वाले जातक को अपनी जन्म कुंडली में मंगल, सूर्य और चंद्रमा तीनों ग्रहों पर रिसर्च करना है। जो भी ग्रह कमजोर हो उसका उपाय करना है, बस इतनी सी बात है। मैं कामना करता हूँ वृश्चिक लगन के संबंध में यह सटीक जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।